हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर के आए हुए हैं सलेहा। तो मैं आपको यहाँ का सलेहा का बस स्टैंड दिखा देता हूँ। बस स्टैंड के पास में सलू जाता की दुकान है जो कि बिल्डिंग का बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो ये देखिए हमारे सलेहा का बस स्टैंड, ये रही वो धर्मशाला टाइप में, इधर यानी कि यात्री लोग प्रतीक्षालय बोल सकते हैं, एंड एक प्रतीक्षालय ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है, तो वो यहीं पर बीच में है अपने चाचा जी की दुकान। तो अपनी गाड़ी में इधर पे पीछे साइड में बच्चे लगवाना है एंड सीट का कुछ काम करवाना है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाली सीट को निकलवा करके एंड लोहे की दूसरी सीट लगवानी है, थोड़ा सा अच्छा बिल्डिंग बिल्ड करवाना है। ठीक है, बिल्डिंग बिल्ड नहीं, मतलब सीट को बिल्ड करवाना है एंड देखते हैं क्या क्या होता है, चलिए देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों ये सीट का काम चालू हो चुका है, यहाँ की नपत वगैरह हो गई है, एंगल अभी काटा जा रहा है। तो जैसे ही अपने भैया एंगल काटेंगे उसके बाद में उसको फिट वगैरह करेंगे, तो मैं आपको एंगल की कटाई दिखा देता हूँ किस तरीके से नाप नूप के काटा जा रहा है। फिलहाल अभी यह सीट का कवर ढांचा वगैरह बन गया है एंड फेद वगैरह हो गए हैं और तैयारी चल रही है। ऑलमोस्ट अभी समथिंग 4:30 बज गए, एक दो घंटे का काम हो रहा है, एक दो घंटे के बाद अपनी गाड़ी टन टन रेडी हो जाएगी, फिर उसके बाद सीट का काम रह जाएगा, वो देखेंगे कहीं और जहाँ पे भी इस चीज़ का काम वगैरह होता रहेगा। फिलहाल दोस्तों अपनी गाड़ी का काम पूरा हो चुका है कंप्लीट, अभी ये 2 से 3 कुंडे लगने बाकी हैं एंड अंदर का मैं काम दिखा देता हूँ कि हमारी गाड़ी का किस तरीके से अंदर का काम हुआ है ना। सो फाइनली देख सकते हैं, मुझे मॉर्निंग से अभी नाइट हो गया भाई। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सीट बनी हुई है, अभी इसके ऊपर में हमें प्लाई वुड वगैरह ये सारी चीज़ें रखवानी पड़ेंगी एंड ऊपर का पोर्शन मैं दिखा दूँ आप लोगों को, कि ऊपर जो ये जाली है ये घनी नहीं थी, ये जो दिख रही ना ये वाले एंगल, 8 एंगल ये साइड 8 एंगल वो साइड, तो ये वाला काम करवाया एंड बीच में अपना ये वाला पाइप देख पा रहे होंगे आप लोग, तो बीच में ये वाला पाइप जो कि रस्से त्रिपाल करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये भी चीज़ें अपन ने करवा दी हैं। अभी ये 2 से 3 बत्ते बाकी रह गए हैं, इनका उपयोग देखेंगे कहीं नहीं गई। और जी अपने भैया कटआउट निकलवा रहे हैं कहीं से, ठीक है तो कटआउट निकालना चल के भैया। फिलहाल कटआउट वगैरह निकल गया, अब इनका बिल्डिंग का काम जारी है। और मिलो आप सेठ जी से, ये हमारे सल्लू चाचा हैं, सलकू चाचा, सालिक राम नाम है, सलकू सलकू सबको ही कहते हैं, है ना। इनकी दुकान का पोर्शन देख लो आप लोग, कुछ इस तरीके से हैं, गेट दरवाजा खिड़की एंड काफ़ी सारी चीज़ों का काम यही करते हैं। हमारी गाड़ी का भी काम कर दिया, समझ लो गाड़ी के भी मिस्त्री यही हैं।